नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिक हिस्ट्री सेंटर के ऑनलाइन क्लासेस में। ये चलिए मैथ कॉन्सेप्ट की क्लास, जिसमें आज हम देखेंगे आपका आयत। किसके बारे में देखेंगे दोस्तों? आयत। आयत को इंग्लिश में बोलते हैं रेक्टेंगल। तो आज देखेंगे रेक्टेंगल के बारे में पूरा, आपको रेक्टेंगल का बेसिक से लेकर एकदम एडवांस तक का जितना रेक्टेंगल में जो कुछ भी होता है सारी चीज़ों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं आयत कहते किसे हैं। तो दोस्तों, चार भुजाओं से घिरी हुई आकृति जिसमें आमने सामने की भुजाएँ समांतर और बराबर हों तथा प्रत्येक कोण समकोण हो, उसे आयत कहते हैं। ये तो हो गया आपका किताबी लैंग्वेज। अब दूसरा जो लैंग्वेज है, चार रेखाखंडों से बनी वह आकृति जिसकी आमने सामने की भुजा क्या हो, समांतर हो तथा बराबर हो, वो क्या होता है? आयत होता है। तथा उनके अंतः कोण सब क्या हो? समकोण हो। समकोण का मतलब सभी 90 डिग्री के हों, ठीक ना? तो देखिए, अंतः कोण 90 डिग्री के हैं, तो ये आमने सामने की भुजा क्या है? बराबर तथा समांतर है। मतलब अगर ये 5 का है तो ये वाला भी 5 का होगा। नाम लिख देते हैं ए बी सी और डी। तो मतलब ए बी बराबर होगा सी डी के या तो डी सी के, और ए डी बराबर होगा बी सी के। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक ना? तो चलिए अब क्या करते हैं, सबसे पहले बात आता है आयत का क्षेत्रफल का। तो दोस्तों, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। मतलब ये हिस्सा क्या है? ये लंबाई है और ये क्या है? चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लिखेंगे लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये हो गया दोस्तों क्या? आयत का क्षेत्रफल हो गया। अच्छा, लंबाई को लेंथ बोलते हैं, क्या? लेंथ। यल से प्रदर्शित करते हैं, चौड़ाई को ब्रेथ बोलते हैं, तो बी से। तो इसका मतलब यल गुणे बी भी हो जाएगा। इसी को बोल सकते हैं हम लोग यल बी बोल सकते हैं। और दोस्तों याद रहे, क्षेत्रफल हमने पीछे ही बताया था कि जहाँ क्षेत्रफल निकलता है वहाँ मात्रक की घात कितनी होती है? मात्रक की घात हमेशा 2 होती है, ठीक ना? जब क्षेत्रफल निकलेगा तो मात्रक की घात 2 होगी। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कभी भी कुछ भी रहेगा, अगर ये मीटर में है तो दोनों मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर में सेंटीमीटर। जब सेम मात्रक बना लेंगे उसके बाद ही गुणा कराएंगे, ठीक ना? उसके बाद आता है आयत का परिमाप। आयत का परिमाप किसे बोलेंगे दोस्तों? परिमाप, 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 परिमाप। तो यहाँ देखेंगे यल, ये बी, तो ये सामने वाला बराबर, तो ये भी यल होगा, ये सामने वाला बराबर, ये भी बी होगा। परिमाप किसे कहते हैं? परिमाप, परिमाप। अब परिमाप होता क्या दोस्तों? परि प्लस माप। परि मतलब होता है बाहरी, बाहरी, और ये माप मतलब होता है मापना, ठीक ना? बाहरी मापना मतलब यहाँ से अगर चलना शुरू करें तो यहाँ जाए, तो देखिए यहाँ से चलना शुरू करते हैं, यहाँ जाते हैं तो मिल गया यल, ठीक ना? फिर यहाँ गए, फिर मिल गया बी, प्लस लगाते हैं, फिर यहाँ आ गए, फिर मिल गया यल, फिर प्लस लगाते हैं, फिर मिल गया बी। मतलब यहाँ से चलें यल, फिर बी, फिर यल, फिर बी। तो बाहरी मापों को हमने क्या किया? माप लिया। तो मापे तो हमारे पास कितना आ गया? 2L प्लस 2B आ गया। इसमें से क्या किया? 2 हमने बाहर कर लिया, तो हो गया यल प्लस बी हो गया, ठीक ना? लेंथ और ब्रेथ मतलब लंबाई और चौड़ाई। तो आयत का परिमाप दोस्तों क्या हो जाएगा? तो लिखेंगे 2 ब्रैकेट में लंबाई, लंबाई प्लस चौड़ाई, चौड़ाई ये हो जाएगा। इसको बंद कर देंगे, इंग्लिश में लिख सकते हैं इसको 2L प्लस बी लिख सकते हैं। और याद रहे, मात्रक इसमें सिर्फ जब लंबाई या चौड़ाई मापते हैं, मीटर रहेगा तो मीटर, सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किलोमीटर रहेगा तो किलोमीटर। अब आयत का विकर्ण की बारी आती है। विकर्ण किसे कहते हैं? जो सबसे लंबी भुजा होती है, मतलब जो सबसे लंबी रेखा होती है, मतलब एक कोण को छोड़ के, एक बगल वाले छोड़ के उसके बाद अगर मिला दिया तो ये विकर्ण है। आयत के सभी विकर्ण क्या होते हैं? दोनों विकर्ण बराबर होते हैं। तो आयत का विकर्ण ये हो गया। अब विकर्ण निकलेगा कैसे? तो इसके लिए पाइथागोरस प्रमेय होता है। ये यल है और ये बी है, और ये यहाँ से है बी और डी, ठीक ना? ये विकर्ण, तो इसी को निकालते हैं। तो दोस्तों आइए ध्यान से देखिए क्या निकालते हैं, विकर्ण, विकर्ण निकालते हैं, ठीक ना? विकर्ण को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायगोनल्स बोलते हैं, ठीक ना? तो डायगोनल्स निकालते हैं इसका। तो देखिए, पाइथागोरस प्रमेय ने बोला था, अगर आपको नहीं मालूम है तो बोल दें। पाइथागोरस प्रमेय का अगर आपने वीडियो नहीं देखा जाके देख लीजिए। ये 90° का, ये यल है और ये बी है, हमको यही निकालना है, ठीक ना? तो ये निकालना है, इसका नाम डी है, इसका नाम बी है। तो हम लोग लिखेंगे विकर्ण बराबर क्या होता है, ऐसे लिखेंगे बी डी बराबर अंडर रूट का आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, मतलब यल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो हमारा विकर्ण क्या हो गया? निकल गया। तो इसका मतलब आयत का विकर्ण जो होगा वो क्या होगा? होगा अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर,
अब अगर इंग्लिश में लिखना हो तो लिख सकते हैं अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया आयत का विकर्ण। अब चारों कोणों का योग दिख रहा है दोस्तों, चारों कोणों का योग ये क्या होता है, चारों कोणों का योग क्या होता है, चलिए बताते हैं चारों कोणों का योग। चारों कोण मतलब ये जो अंतः कोण है, ये जो बन रहे हैं, ये सब 90 डिग्री के होते हैं। चारों कोणों का योग देखेंगे तो लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी प्लस कोण डी, और सारे कोण कितने के 90 90 के, तो 9 चौका 36 360 डिग्री, सारे कोणों का योग कितना हो गया 360 डिग्री। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आयत से संबंधित जितनी जानकारियाँ थी ये आपको समझ में आ गई होंगी। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये आयत में ना बहुत ही मतलब ये सवाल बहुत ढेर सारे आते हैं, और आप अगर इन सब चीज़ों को जानेंगे तो आपको धीरे धीरे मेंसुरेशन भी समझ में आने लगेगा, क्योंकि ये सब मेंसुरेशन ही है, क्षेत्रमिति ही है, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाल रहे हैं, क्षेत्रफल को एरिया बोलते हैं, तो जब क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो ये अपने आप क्या हो गया, एक क्षेत्रमिति हो गया। तो इसमें हम लोग क्या करें, आयत के बारे में पढ़ें। तो अगर आयत के बारे में जानकारी अच्छी लगी हो, पूरा आयत समझ में आओ, तो दोस्तों कमेंट करके बताइए, और वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमको कमेंट करके बताइए इसके बाद आप किसका वीडियो देखना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा जो आपको बहुत वीक है, वो आपको समझ में नहीं आता, उसको हम आसान तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करेंगे, ताकि आपको आसानी से वो वीडियो समझ में आ जाए और वो टॉपिक आपसे कभी फंसे ना। तो आयत दोस्तों यहाँ समाप्त हुआ, मिलते हैं आपसे आपके अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए यूनिक स्टेशन के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।